नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो अभी देखो, हम चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो कि सरकारी बैंक हैं, तो वो जो एटीएम्स ना, उनको बंद क्यों करे जा रहे हैं। तो अभी जो नई रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो उसके चलते यही पाया जा रहा है कि काफी ह्यूज नंबर ऑफ एटीएम जो है वो बंद किए जा रहे हैं हमारे जो सरकारी बैंक है उनके द्वारा। तो ऐसे काम क्यों कर रहे हैं पीएसबी जो है? और ज्यादातर ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा कि जब भी आप किसी सरकारी एटीएम में पैसे निकलवाने जा रहे हो, तो वहां पर एक ही बात ज्यादातर सुनने को मिलती है कि पैसे नहीं है। ओके, तो जो पैसे नहीं है, एटीएम खुला है, तो फिर यहाँ पर शॉर्ट सप्लाई क्यों रखी जा रही है पैसों की? ओके, तो ये सब मुद्दे जो है ना, इसके ऊपर ऊपर हम चर्चा अभी करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो क्या बात कर रहे हैं शुरुआत में? तो शुरुआत में अभी देखो, पैंडेमिक के चलते काफी सिचुएशन जो है ना, उसमें बदलाव देखने को मिला है, काफी कुछ बदला है। ये जो कोरोना वायरस महामारी है, इसके चलते तो अभी इसी के चलते ज्यादातर लोग किस चीज के ऊपर यहाँ पर प्रेफरेंस ज्यादा दे रहे हैं, वो दे रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर। कहने का मतलब, आप खुद भी अगर देखो, अगर आप कोई भी चीज की शॉपिंग कर रहे हो, तो ज्यादातर आप प्रेफर कर रहे हो कि मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग कर लूँ। और जब ऑनलाइन आप शॉपिंग कर रहे होते हो, तो उस समय भी आप इस चीज का ध्यान रखते हो कि अगर मैं कैश को हाथ लगाता हूँ, तो फिर ज्यादा संक्रमण फैलने के चांसेस है। तो इसलिए आप क्या करते हो, आप कोशिश करते हो कि मैं डिजिटल पेमेंट ही कर दूं, कार्ड के थ्रू पेमेंट ही कर दूं, और ऑनलाइन पेमेंट हो जाए और सामान मेरे घर पे पहुंच जाए। ओके, तो अभी लोगों का रुझान जो है ना, डिजिटल पेमेंट्स की ओर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 4600 से ज्यादा जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स है, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम एटीएम्स बोलते हैं ना, तो उनको एक साल के अंतर्गत जो है ना, इतने बड़े पैमाने पर बंद कर दिया गया है। तो इतने बड़े पैमाने पर हमारी इतनी एटीएम मशीन जो है ना, वो जो पब्लिक सेक्टर बैंक से उनके द्वारा बंद कर दी गई है। और इसके अलावा अगर जो कैश भी उनमें डाला जाता है ना, तो उसको भी उसकी भी लिमिट कम कर दी गई है। तो जैसे देखो, एक बार खाली हो गया एटीएम, तो 1 या 2 घंटे के अंतर अंदर उसको भरना है दोबारा, लेकिन नहीं भरा नहीं जाता। अगर एक दिन पूरा चला जाता है, तो फिर अगले दिन जब मतलब मर्जी आती है, तब जाकर भरते हैं, जब पैसा अवेलेबल होता है उस हिसाब से। मतलब कि जिस पैमाने पर सरकारी एटीएम जो होते हैं, उनमें पैसा होना चाहिए ना, तो नहीं होता। इसीलिए आप जो है ना, खाली हाथ ज्यादातर वापस आते हो कि एटीएम में तो पैसा ही नहीं है। ओके, तो अगर पैसे डालते भी है ना, तो बहुत कम पैसा डालते हैं, जो पहले लिमिट्स होती थी उसके मुकाबले में बहुत कम हो गया। इसलिए पैसा एटीएम में से जल्दी खत्म हो जाता है, अगर मैं सरकारी एटीएम्स की बात करूँ। ओके, तो ये डाटा कहाँ से आया? ये डाटा आरबीआई के द्वारा आया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा है ये। मतलब इतने जो है ना, एटीएम्स मशीन्स को बंद कर दिया गया है। तो अभी और आंकड़े देखो, और बात की जा रही है कि जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है ना, तो उनमें अभी 50% से ज्यादा का सर्ज देखने को मिला है, उछाल देखने को मिला है। ओके, तो अभी एक जो डिजिटल ट्रांजेक्शन होती हैं, तो वो किसके अंदर को होती हैं? वो होती हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस सिस्टम। ओके, तो इसको हम यूपीआई पेटम जो है, यूपीआई पेमेंट सिस्टम भी इसको बोलते हैं। तो ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म है, जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, चाहे आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आप शॉपिंग कर रहे हो, अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो उसमें भी आप जब ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो वहां पर भी ना एक बिल डेस्क नाम से एक पोर्टल खुलता है। तो वो भी एक मर्चेंट है जो कि पेमेंट रिसीव कर रहा है अमेजोन के बिहाफ के ऊपर। ओके, तो वो भी अगर पेमेंट करेगा ना, तो ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसी के अंतर्गत करेगा। ओके, तो अभी इसके अंतर्गत जो यहाँ पर पेमेंट सिस्टम है, तो अब 1 साल में 2 गुने ज्यादा की रफ्तार से ये बढ़ा है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री जो है ना, तो वो क्या कर रही है, ज्यादातर अगर सिर्फ सरकारी बैंकों की बात करूं, और ज्यादा एटीएम्स भी ऐड नहीं कर रही है। ओके, तो मतलब जो पहले है ना, तो पहले के यहाँ पर लिमिट भी नहीं रह रही, उसको भी कम करे जा रही है। तो नया ये कहाँ से करेगी, तो मतलब सोचने वाली बात ही नहीं कि नया नए एटीएम्स ये ऐड करेंगे और इकोनॉमी में। और इसी के चलते जो पुराने हैं, तो उनका डिप्लेशन जो है वो करती जा रही है। तो इसी के चलते इनका जो ओवरऑल नंबर है ना, तो उसमें भी कटौती देखने को मिल रही, जो पब्लिक सेक्टर बैंक के एटीएम से। तो ये बात कही जा रही है के श्रीनिवास के द्वारा, जो कि एमडी है ऑफ बीटीआई पेमेंट। तो ये भी एक पेमेंट सिस्टम है। ओके, तो आगे बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी बैंक की बात करें ना, तो उसके लिए बहुत आसान है कि अपने कस्टमर को बता देना कि किसी दूसरे एटीएम को आप इस्तेमाल कर लो, आपने जो भी ट्रांजैक्शन करनी है। तो तब भी आपको है ना, कम से कम 15 रुपए पर ट्रांजैक्शन के पड़ते हैं, इतने चार्जेस पड़ते हैं जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हो। ओके, तो अगर बैंक जो है ना, अपना एटीएम खोलेंगे और इसकी शाखाएं अगर खोलनी शुरू कर देंगे, तो ये 15 रुपए से ज्यादा ही खर्चा आने वाला है। तो एक और तो ये भी जो सरकारी बैंक है ना, वो भी देख रहे हैं। तो इसलिए ये भी एक कारण है कि एक्सपेंशन अपने एटीएम्स की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि कस्टमर के ऊपर अगर ज्यादा चार्जेस लगेंगे, तो कस्टमर्स हमारी और रुख करेगा ही नहीं,
और इससे अच्छा है कि हम एटीएम्स खोले ही ना। ओके, तो जो हमारा जो सब्सक्राइबर है, जो हमारे बैंक का जो कस्टमर है, तो अगर उसको कोई और बैंक का भी एटीएम मिलता है तो वहीं से पैसे निकलवा ले। क्योंकि आजकल तो ऐसा ही है ना, आजकल कौन सा ऐसा है कि अगर कोई एसबीआई का कस्टमर तो एसबीआई के जो है एटीएम से ही पैसे निकलेंगे। पहले ही ऐसा होता था, लेकिन रूल्स बदल दिए गए आरबीआई के द्वारा। तो ऐसा कर दिया गया कि मतलब चाहे अकाउंट जिस मर्जी बैंक में हो, तो आप जहां से भी पैसा निकालना चाहे, जिस मर्जी एटीएम से, तो आप निकाल सकते हो। क्योंकि अभी तो ऐसे रूल काम कर रहे हैं। तो दूसरी ओर देखो, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, तो और जो पेमेंट बैंक होते हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, उन्होंने एटीएम्स बढ़ाए हैं, अपनी शाखाएं एटीएम्स की और जोड़ी है। लेकिन सरकारी बैंकों ने कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। इसके अलावा जो व्हाइट लेबल एटीएम्स होते हैं, तो वो भी यहाँ पर ज्यादा जोड़े गए। तो ये व्हाइट लेबल एटीएम्स क्या होते हैं, मैं लेक्चर के आखिर में आपको बताऊंगा कि जो ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स होती है ना, ये कितने तरह की होती है और किस पर्पज से यहाँ पर जो ना हम लेबल देते हैं, व्हाइट लेबल, ऑरेंज लेबल। ओके, तो इस तरह के लेबल हम क्यों देते हैं, किसको देते हैं, तो उसको इसके बारे में मैं आखिर में चर्चा करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या आंकड़ा आ रहा है, आगे बात करेंगे जितने भी भारतीय बैंक है, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, तो उनका जो अगर हम आंकड़ा बोलेंगे कि कितनी गिनती है एटीएम्स की पूरे भारतवर्ष में, तो वो 2 लाख से ऊपर है, कुछ ज्यादा है 2 लाख से एटीएम्स। तो ये अभी फरवरी एंड तक का डाटा है। तो अभी इसमें लगभग 1,000 एटीएम्स का जो है ना, ये डिक्लाइन देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले। तो जो जो भी यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो सरकारी बैंक है ना, तो वो मतलब लगभग 4,600 के आसपास एटीएम्स उन्होंने बंद किए हैं, 4,633। तो ये एग्जैक्ट इसकी फिगर है आरबीआई के मुताबिक। और ये पूरे भारतवर्ष में कितने नंबर्स में ऑपरेट करते हैं, 1,34,000 ऐसी इनकी ना एटीएम मशीन्स है जो कि सरकारी बैंक ऑपरेट करती है पूरे भारतवर्ष में। इन 2 लाख एटीएम में से 1,34,000 सरकारी बैंकों के पास ये एटीएम्स हैं जो कि पूरे भारत में ऑपरेट करते हैं। दूसरी ओर देखो, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इन्होंने 3,386 एटीएम जो है ना, वो 1 साल में जोड़े हैं और ऐड किए हैं। लेकिन सरकारी बैंक जो है ना, वो कम करते जा रहे हैं। इन्होंने तो मतलब 4,633 एटीएम से इन्होंने कम कर दिए, माइनस कर दिए। और अगर प्राइवेट बैंक की बात करूं, तो ये 72,643 के आसपास जो है ना एटीएम मशीन्स ऑपरेट करते हैं पूरे भारतवर्ष में। तो ये देखो, ये 72 को जोड़ लो 1,34,000 के, इसमें प्लस कर लो, तो 2 लाख से ऊपर की जो ना यहाँ पर नंबर चला जाएगा एटीएम्स का। ओके, तो ये 2 लाख में से 72,000 के आसपास प्राइवेट बैंक्स की जो एटीएम्स है वो काम करते हैं भारत में। इसके अलावा जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उन्होंने 204 एटीएम जो है ना वो ऐड किए हैं पूरे भारत में। तो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं ना, तो ये भी आरबीआई के द्वारा ही यहाँ पर ये अंतर्गत, इसी के अंतर्गत कंट्रोल होते हैं। तो 1996 के बजट में सरकार ने यहाँ पर प्रोविजन दी थी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक खोले जाएं। तो कहाँ पर खोले जाएं, जो अंडर सर्व्ड यहाँ पर जो रीजन है भारत के, मतलब कि जहां पर अच्छी खासी प्रगति देखने को नहीं मिल रही है, लोगों के पास पर्याप्त धन नहीं पहुंच रहा है, तो वहां पर इस सुविधा को पहुंचाने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का यहाँ पर निर्माण किया गया। तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में भी ये यहाँ पर है, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे एक नॉर्मल बैंक होता है ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये भी यहाँ पर फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, एफडी की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, सेविंग, आप जो है ना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो यहाँ पर जाके। तो इनके भी अलग अलग नाम है। तो इनमें से जो सबसे प्रोमिनेंट है वह है इक्विटास। ओके, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, मतलब वो मतलब काफी नाम है उसका। और इसके अलावा और भी बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो इनके द्वारा भी 204 एटीएम्स जोड़े गए। और इसके अलावा जो और बात की जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा, तो उसमें क्या कहा जा रहा है, तो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि जो अभी क्लोजर हो रहा है एटीएम्स का, उसका क्या रीजन है। तो उसका रीजन यही बताया जा रहा है कि अभी देखो बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जिनका कि मर्जर कर दिया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। ओके, तो ये 2020 में, 2021 का जो फिजिकल ईयर शुरू हुआ था, तो उसमें ये चीज देखने को मिली, जिसमें कि अभी जो कुल गिनती है ना हमारे पब्लिक सेक्टर बैंकों की, तो वो 12 रह चुकी है। सिर्फ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बचे हैं, किसी जमाने पर 27 थे। ओके, फिर कम होते गए, तो अभी हाल ही में मर्जर कर दिया काफी बैंकों का। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ कि एक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था और एक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया था, जिसका कि मर्ज कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक में। तो अभी पंजाब नेशनल बैंक पहले भी ये दूसरा बड़ा बैंक था, तो अभी और इसका मतलब बेस स्ट्रांग हो गया, 17 लाख करोड़ के आसपास का इसका एसेट साइज हो गया पंजाब नेशनल बैंक का। तो ये देश का दूसरा बड़ा बैंक बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद। और इसी की तरह और भी काफी सारे बैंक थे जिनका कि मर्जर कर दिया गया दूसरे बैंकों में। ओके, जैसे सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया गया कैनरा बैंक में, तो उसी तरीके से मर्जर हुआ काफी बड़े पैमाने। तो अभी जो सरकारी बैंक है ना, वो चाह रहे हैं कि पैसा बचाया जाए किसी ना किसी तरीके से। दूसरी ओर पैंडेमिक का जहां जो है ना उसकी मार चल रही है, और सरकारी बैंक चाह रहे हैं कि खर्चा उनका कम से कम हो। तो अगर वो ज्यादा एटीएम्स रखते हैं ना, तो उनका खर्चा भी जो है ना उसको उसको रखना,
ओके तो उसके अलावा उसका मेंटेन करना, अगर मशीन खराब हो जाती है तो सही मशीन दोबारा सही रिपेयर करवानी, तो इसके ऊपर भी बकायदा खर्चा करना पड़ता है। वो सारा खर्चा बैंक के पैसे से ही निकलता है। ओके और जो बैंक जो पैसा निकालेगा कहाँ से निकालेगा, कस्टमर की जेबों से ही। जैसे अभी देखो, अभी मैंने बात की थी कि 15 रुपए जो है ना पर ट्रांजेक्शन लगते हैं, तो अभी अगर सरकारी बैंक और एटीएम खोलेंगे तो ये 15 से वैल्यू एक्सीड ही करेगी, कम नहीं होगी। ओके तो इसी के चलते एक मर्जर यहाँ पर रीजन है कि आपस में मर्ज हुए तो जो है दूसरे बैंक जो यहाँ पर एटीएम्स लेकर आए, तो सरकार नहीं चाह रही, सॉरी ये सरकारी बैंक नहीं चाह रहे हैं कि उनको और जो है ना बड़े पैमाने पर जो है ऑपरेट किया जाए, एक्टिवली ऑपरेट किया जाए। तो अभी ये फोकस कर रहे हैं बैंक, किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं ज्यादातर, कि जो हाई एक्टिविटी एटीएम सेंटर है तो उन्हीं के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि वहां पर पैसा खत्म नहीं होना चाहिए, वहां पर जो स्केल है पैसे का उसको लगातार भरते जाओ जहां पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। देखो यहाँ पर जब ज्यादा एक्टिविटी होगी तो ट्रांजेक्शन पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो पड़ेगी पड़ेगी, तो वो वही वाला एरिया होगा ना जहाँ पर लोगों की इनकम थोड़ी ज्यादा होगी, जैसे बड़े शहर हो गए जैसे न्यू दिल्ली, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, तो वहां पर कोई ऐसा एरिया जहाँ पर काफी रश रहता है। ओके तो अगर उस जगह में एटीएम रखोगे तो वहां पर बैंकों को मुनाफा है। ओके क्योंकि ट्रांजेक्शन ज्यादा होगी तो यहाँ पर जो है पैसा ज्यादा बनेगा बैंकों का। तो इसी के चलते यहाँ पर ना जो बैंक है वो ये सोच रहे हैं कि बहुत सारे हजारों के हिसाब से एटीएम है पूरे इंडिया में जो कि अंडर यूटिलाइज रहते हैं, मतलब कि उनका उतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं होता जितने बड़े पैमाने पर होना चाहिए। जो जो इसके चलते जो सिविल है ना ज्यादातर कोशिश करते हैं कि वो घर पे ही बैठे रहे, मतलब जो इन एरियाज में एटीएम जो अंडर यूटिलाइज रहते हैं जहां पर अच्छे तरीके से सिविल उनको ऑपरेट नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर उनको एक ये भी रीजन है कि बंद कर दिया जा रहा है, सिर्फ उन्हीं को ऑपरेट रखा जाएगा जो बड़े शहरों में है और जहां पर वो जो हाईली एक्टिवेट है, मतलब कि ज्यादातर लोग उस एटीएम को अप्रोच कर रहे हैं। तो थोड़ी सी नजर घुमा लें कि अभी जो हमारे यहाँ पर करंट लिस्ट है 12 पब्लिक सेक्टर बैंकों की 2021 के हिसाब से, जिनको हम सरकारी बैंक बोलते हैं, पहले नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, फिर पंजाब नेशनल बैंक है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इन सभी बैंकों में से ना ये वाला पंजाब एंड सिंध बैंक जो है ना इसको भी बहुत जल्दी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार ने इस साल भी बोला है कि दो किन्हीं दो सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होगा और एक इंश्योरेंस कंपनी का होगा। अभी उनका नाम जारी नहीं किया गया है लेकिन बजट में सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है कि दो सरकारी बैंक प्राइवेटाइज होंगे और एक जो है ना इंश्योरेंस फर्म जो है सरकारी वो भी प्राइवेटाइज होगी। तो ये इन 12 में से कोई और दो होंगे। ओके ये पंजाब एंड सिंध बैंक ये तो होना ही है, इसके अलावा और भी दो होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो बड़े शहर है ओके तो वहां पर ज्यादातर जो एटीएम्स किसी यहाँ पर बैंक के पास है या फिर पेट्रोल पंप के पास है या फिर किसी हॉस्पिटल के पास है ना, तो वहां पर ज्यादा ट्रांजेक्शन देखने को मिल रही है। तो ये भी आरबीआई का डाटा ये बात बोल रहा है। ओके हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप और जो है जो बड़े शहर है जहां पर बैंक जो है उसके आसपास जो है एटीएम्स की ज्यादातर यहाँ पर एक्टिविटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जो डिजिटल पेमेंट्स है तो इसमें भी सर्च काफी उछाल जो है काफी बढ़ता जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा जो है ना कॉन्ट्रीब्यूटर है जिसके वजह से यहाँ पर बैंक जो है ना पीछे हट रहे हैं, तो वो नए एटीएम्स नहीं खोल रहे हैं और जो पुराने वाले उनको भी बंद करे जा रहे हैं। तो अभी पिछले 4 सालों की ये बात कर रहे हैं कि जो भारत का जो डिजिटल पेमेंट मार्केट है ना तो वो एक्सपेंड किया है, अगर हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बात करके सालाना कितने दर के हिसाब से बढ़ा है, तो ये 23% के हिसाब से बढ़ा है इन 4 सालों में। तो पर ईयर मतलब कितनी परसेंट की ग्रोथ देखने को मिली, अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें कितना दायरा बढ़ा है, तो वो 23% के हिसाब से यहाँ पर डिजिटल मार्केट का, यहाँ पर डिजिटल पेमेंट का दायरा बढ़ा। इसके अलावा वैल्यू की हिसाब से बात करें कि कितने यहाँ पर रुपीज के हमने ट्रांजेक्शन की है, तो 21% की बढ़ोतरी जो है ना वैल्यू में देखने को मिल रही है पिछले 4 साल के हिसाब से। और हमारा जो डिजिटल पेमेंट मार्केट है वहां पर जहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह करते हो, और जो एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि जो वॉल्यूम आने वाले समय 171 बिलियन जो है यहाँ पर रुपीज तक यहाँ पर पहुंच सकता है, और इसके अलावा कब तक पहुंचेगा 2025 तक। इसके अलावा जो वैल्यू में यहाँ पर जो बढ़ोतरी है ना डिजिटल ट्रांजेक्शन की जो वैल्यू है, तो उसमें भी यहाँ पर बढ़ोतरी ₹238 ट्रिलियन यहाँ पर रुपीज तक जो है पहुंच सकती है भारत में आने वाले समय में 2025-26 तक की, यहाँ पर ये इसके अकॉर्डिंग आंकड़ा बता रहे हैं। और इसके अलावा इसी बात को ना बड़ी सरल तरीके से आगे समझाने की कोशिश की गई है, जैसे अभी एग्जाम्पल ली गई, जैसे सितंबर 2020 की एग्जाम्पल ले लो, तो जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के चलते जो डिजिटल ट्रांजेक्शन देखने को मिली है, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुई है लगभग 1.8 बिलियन रुपीज की, और यहाँ पर जो वृद्धि देखने को मिली दिसंबर 2020 में वो 2.23 बिलियन रुपीज हो गया। ओके मतलब इतने यहाँ पर पैमाने पर यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली, तो यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से जो यहाँ पर जंप देखने को मिला वो अप्रोक्सीमेटली 24% है कुछ ही महीनों के अंदर।
ओके, तो ये थर्ड क्वार्टर है, दिसंबर महीने, दिसंबर 2020 में हमारा जो थर्ड क्वार्टर है ना उसका रिजल्ट आ रहा है। तो ये 24% में राइस जो है ना देखने को मिला, जो यहाँ पर डिजिटल पेमेंट है वहां पर। और अगर बात करें फोर्थ क्वार्टर की, जो कि फिस्कल ईयर का लास्ट क्वार्टर होता है, तो उसमें डिजिटल ट्रांजेक्शन में और जब देखने को मिला तो लगभग 23% का यहाँ पर देखने को मिला। ओके, तो यहाँ पर मार्च 2021, 31 मार्च 2021 को जो डाटा आया, तो उस समय यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन थी वो 2.73 बिलियन तक यहाँ पर पहुंच चुकी थी। ओके, डिजिटल पेमेंट के सिस्टम में, मतलब कि जब डिजिटली पेमेंट आप करते हो, जहाँ पर कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हो या फिर कोई ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू अगर आप पेमेंट कर रहे हो, कैश में आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, बस ये यहाँ पर रीजन समझना है। ओके, तो ये क्वार्टर सिस्टम तो आपको पता ही होगा, एक साल में चार क्वार्टर होते हैं। अभी 1 अप्रैल 2021 से हमारा जो है ना ये फर्स्ट क्वार्टर शुरू हो चुका है। तो अप्रैल मई जून जून लास्ट तक ये पहला क्वार्टर चलेगा। इस तरीके से जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये तीसरा क्वार्टर होगा, और लास्ट क्वार्टर होगा इस फिस्कल ईयर का जनवरी फरवरी मार्च 2022। ओके, वो लास्ट क्वार्टर होगा। तो ये बात कौन कह रहा है, ये बात कह रहे हैं विश्वास पटेल, जो चेयरमैन है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के। तो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया को कब बनाया गया था, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो एटीएम बंद हुए ना, तो जिसके चलते ये उस सिचुएशन में बंद कर रहे हैं जब यहाँ पर जो करेंसी सर्कुलेशन है ना, भारत की जो यहाँ पर इकोनॉमी में जो करेंसी सर्कुलेशन में, तो उसकी यहाँ पर वैल्यू 28 लाख करोड़ के आसपास है। तो ये हाईएस्ट एवर है। तो देखो, जितने भी करेंसी नोट हम यूज करते हैं, 1 रुपए से शुरू कर लो, 1 रुपए के सिक्के से शुरू कर लो, 1, 5, 10, 20, ओके, 50, 100, 200, 500, तो इतने तक की, और 2000 का नोट आ गया, तो ये हमारी सभी करेंसीज है। तो इन सबको कुल मिला लो तो ना, कुल मिलाकर 28 लाख करोड़ रुपए जो है ना वो सर्कुलेशन में, मतलब कि भारत की इकोनॉमी में वो सर्कुलेट हुए हैं इतने पैसे। तो उस यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है ना, यहाँ पर सरकारी बैंक जो है ज्यादातर एटीएम जो उनको बंद करे जा रहे हैं, और इसी के चलते जो कैश विड्रॉल्स, तो उसमें भी यहाँ पर काफी ड्रॉप देखने को मिला है। तो एटीएम से लोगों ने पैसा निकालना भी कम कर दिया। तो अभी वैल्यू जो अभी इस साल जो पैसा निकाला गया फरवरी तक जो डाटा आया, तो वो यहाँ पर 2.58 लाख करोड़ है, क्योंकि 2020-21 का जो फिस्कल ईयर गया है। लेकिन अगर इससे पहले की बात करूँ 2019-20 की, तो तब 2.82 लाख करोड़ पैसा निकाला गया था एटीएम से, मतलब कि अभी कम ही हो गई है, लोगों ने यहाँ पर कम पैसा निकाला है एटीएम से। तो ज्यादातर यहाँ पर जो बैंक्स की शिकायत है ना, वो यही है कि उनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है एटीएम्स की और रिपेयरिंग कॉस्ट है, तो मतलब वो ज्यादा हो जाती है, जिसके चलते वो मतलब मुनाफे में इतने नहीं आ पाते। तो इसके चलते यहाँ पर वो एटीएम्स को क्लोज कर रहे हैं। और यहाँ पर एवरेज जो यहाँ पर बात निकाले ना कि क्या रीजन है एटीएम्स के ज्यादा शटडाउन होने का, तो ये कोविड-19 के बारे में भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये भी रीजन है जिसके चलते ज्यादातर एटीएम्स को बंद किया जा रहा है सरकारी बैंकों के द्वारा। तो ये सारा का सारा गवर्नमेंट का आंकड़ा है, आरबीआई का आंकड़ा है, जो दिया जा रहा है कि क्यों एटीएम्स को बंद किया जा रहा है सरकारी बैंकों के खासतौर। तो प्राइवेट बैंकों के बारे में हमने सुना पढ़ा कि मतलब वो बढ़ते जा रहे हैं। तो देखो, सरकारी बैंकों की ना फाइनेंशियल कंडीशन देखो कि कितनी खराब होती जा रही है लगातार। ओके, तो आने वाले समय में देखो, अभी सिर्फ 12 रह गए हैं, तो आने वाले समय में इनकी और गिनती कम हो सकती है अगर सही तरीके से बैंकिंग प्रणाली इनकी नहीं चली तो। चलिए अभी बात करते हैं कि एटीएम्स भी कितने तरह के होते हैं, क्योंकि तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करूं मैं व्हाइट लेबल एटीएम की, तो ये एटीएम्स ऐसे एटीएम्स हैं जिनको कि नॉन बैंकिंग एंटिटीज जो ना वही ऑन करती हैं और वही ऑपरेट करती हैं। तो नॉन बैंकिंग एंटिटीज में जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। ओके, तो ये भी इनका काम भी जो है ना फाइनेंशियल एड, मतलब किसी ना किसी तरीके से फाइनेंस प्रोवाइड करना है आपको, जैसे बैंक का काम होता है, लेकिन ये प्रॉपर बैंक नहीं होते, इसलिए इनको हम एनबीएफसीज बोलते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं नॉन बैंकिंग। ओके, मतलब कि जो बैंक बनने के लिए जो क्राइटेरिया चाहे होते हैं ना, तो उसके ऊपर ये खरे नहीं उतरते हैं। तो ये इनका काम है कि फाइनेंशियल फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई ना कोई यहाँ पर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी। ओके, तो जैसे मुथूट फाइनेंस की मैं बात करूँ ना, तो मुथूट गोल्ड लोन आपको मिलता है, तो वो एनबीएफसी है। ओके, इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो अगर आप कोई गाड़ी लेने जा रहे हो, सपोज करो आपने कोई टोयोटा की गाड़ी ली, तो वहां पर भी ना अगर टोयोटा की गाड़ी लेने जा रहे हो, तो वो भी आपको लोन के यहाँ पर ना सुविधा प्रोवाइड करेंगे। तो वो कोई बैंक तो है नहीं टोयोटा के पास, तो उनके पास जो यहाँ पर सुविधा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ओके, फाइनेंशियल कंपनी है। ओके, तो टोयोटा की अपनी एनबीएफसी है, तो वो भी आपको लोन लोन की सुविधा देगी कि आप जो है ना अगर गाड़ी ले रहे हो तो कर्जा भी हमें से ले लो, हमें इतने परसेंट ब्याज जो है ना देते जाना। ओके, तो यहाँ पर अगर ऐसे कोई भी इदारे जो एनबीएफसीज है, अगर उनका कोई एटीएम है ना, तो वो हमेशा व्हाइट लेबल एटीएम होगा, तो उससे आपको पहचान हो जाएगी। ओके, तो उन्हीं के द्वारा ऑन किया जाता है, उन्हीं एनबीएफसी के द्वारा, और तो वही जो है ना उसको ऑपरेट करती है, वही उसका मेंटेनेंस सब कुछ देखती है। दूसरी बात करते हैं ब्राउन लेबल एटीएम। तो ब्राउन लेबल जो एटीएम होते हैं ना, वो ऐसे एटीएम होते हैं कि जिसमें
जो नॉर्मल बैंक है ना वो ऑनर नहीं है सीधा उस एटीएम का। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि उस बैंक ने उस एटीएम को किसी कंपनी से किराए पे लिया है, आप ये कह सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जो जो मालकी होती है, जो यहाँ पर ऑनरशिप होती है, वो किसी और की होती है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो उस एटीएम को प्रोवाइड कर रहा है किसी बैंक को, तो वही उसको मेंटेन भी करेगा। ओके, तो बैंक का काम क्या है, बैंक ने सिर्फ उस एटीएम के ऊपर अपना लेबल लगा देना। अगर एसबीआई का वो एटीएम है तो एसबीआई अपना लेबल लगा देगा, और जो है ना जो भी सुविधा देनी है अपने कस्टमर्स को वो देता जाएगा उस एटीएम के थ्रू। तो सुविधा क्या देनी है, वही कि पैसा जो है टाइम पे निकलता जाए। ओके, लेकिन इसकी जो ऑनरशिप होगी ऐसी एटीएम्स की, वो उस बैंक के पास नहीं होगी। जैसे मैं एसबीआई की अगर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो कोई और यहाँ पर जो सुविधा प्रोवाइडर जो कि एटीएम्स के क्षेत्र में काम कर रहा है और आपको एटीएम्स की फैसिलिटी दे रहा है, लीज के ऊपर आपको एटीएम दे रहा है किसी बैंक को कि आप मेरा एटीएम इस्तेमाल करें आने वाले 5 सालों तक, 10 सालों तक, और मुझे महीने के हिसाब से इतना लीज जो है ना वो देते जाए, और जितना भी इसका मेंटेनेंस का खर्चा होगा वो सब हम करेंगे। ओके, तो आप बैंक ने सिर्फ क्या करना है, बैंक ने वहां पर कैश डालना है और अपने कस्टमर्स का ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं है। तो ऐसे एटीएम्स को ब्राउन लेबल एटीएम बोलते हैं। और इसके अलावा आ गया ग्रीन लेबल एटीएम। तो ग्रीन लेबल एटीएम्स ये एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन के लिए होते हैं, तो खास तौर पे जिसने खेती बाड़ी के रिगार्डिंग कोई भी पैसा निकालना है तो यहाँ पर आप ग्रीन लेबल एटीएम्स के पास जाओ। जैसे ग्रामीण बैंक में देखोगे ना, ज्यादातर ग्रामीण बैंक जहां पर आप नाम सुनोगे तो उनकी एटीएम्स में जाओगे तो ग्रीन कलर के ही होंगे, ज्यादातर ग्रीन लेबल ही होंगे वो। इसके अलावा आ गया ऑरेंज लेबल एटीएम, तो ये शेयर ट्रांजेक्शन के लिए। तो शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं अपने अकाउंट में, जो पैसा उनके आता है, तो उसके अंतर्गत ऐसे एटीएम्स पर्टिकुलरली बनाए गए हैं जो कि शेयर्स के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन के लिए काम करेंगे, तो वो ऑरेंज लेबल होते हैं। येलो लेबल एटीएम जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर रहे हो, ओके, तो वहां पर ये पर्टिकुलर येलो लेबल एटीएम्स भी बनते हैं, तो यहाँ पर वो पर्टिकुलरली ई कॉमर्स बिजनेस के लिए है। तो वोमेन बैंकिंग के लिए पिंक लेबल एटीएम बनाए गए हैं। तो ये बड़े शहरों में ऐसे एटीएम्स आपको ना ज्यादातर देखने को मिलेंगे। ओके, तो वहां बड़े शहर जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो वहां पर आपको पिंक लेबल एटीएम्स देखने को मिलेंगे, पर्टिकुलरली वहां पर वोमेन जाए। ओके, उसके अलावा ऑन साइट एटीएम जो कि किसी बैंक के यहाँ पर प्रेमिसेस के अंतर्गत, उसी के कैंपस के अंतर्गत आपको मिल जाए। जैसे एक बैंक खुला है तो बैंक के बिल्कुल साथ ही उसका एटीएम है, मतलब उस बैंक के दायरे के अंदर ही एटीएम है। तो ऑफ साइट मतलब थोड़ा बैंक से दूर हो गया, ब्रांच कहीं और है तो एटीएम कहीं और है। उसके अलावा आ गया मोबाइल एटीएम। मोबाइल एटीएम ऐसे होते हैं जैसे ना मतलब कोई गाड़ी होती है ना, जैसे मोबिलिटी होती है, मतलब गाड़ी मूवमेंट करती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है, तो वहां पर बिल्कुल ऐसे इस तरीके से ये एटीएम काम करते हैं। कोई ऐसा रीजन जहां पर मतलब आसपास कोई एटीएम है नहीं है, ओके, तो वहां पर फिर गाड़ी के थ्रू जो ना एटीएम जो मशीन है, तो वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है। ओके, तो मतलब जिसको जरूरत है तो अगर उस कोने में अगर उस वक्त एटीएम मशीन पहुंचे तो वहां से वो कस्टमर पैसा निकाल सकता है। तो कैश डिस्पेंसर का भी मतलब यही होता है सेम, जो यहाँ पर एटीएम्स का जो यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है, तो उसको हम कैश डिस्पेंसर भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम कैश विड्रॉ करते हैं, मिनी स्टेटमेंट्स निकाल सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। तो कैसा लगा लेक्चर आपको, आंसर मुझे जरूर करना, मुझे फीडबैक देना, मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर देना, और शेयर करना इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।